हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, मेरे पास मेरे क्लिनिक पे काफी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या आपकी दवाइयों में स्टीरोइड तो नहीं है? आपकी दवाइयों में हैवी मेटल्स होता है जिससे लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मेटल्स होता है जिससे लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं? क्या आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टीरॉइड्स होता है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या हैवी मेटल्स होता है। हैवी मेटल्स किसको कहा जाता है? हैवी मेटल्स मतलब के कुछ ऐसी धातु है कि जिसको अगर हम बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रमाण में जाए तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान कर देती है, जैसे कि कॉपर है, मर्क्यूरी है, लेड है। दोस्तों, आयुर्वेद की कुछ ऐसी भस्म होती है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स के स्वरूप में बॉडी में जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद की जो भस्म है उसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसे मिथ मार्केट में है कि आयुर्वेद की जो भस्म है उसको हमने खा लिया और हमारा लीवर और किडनी खराब हो गया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसे क्रॉक्स, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो आयुर्वेद को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में एक मिथ मार्केट में फैला रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग आयुर्वेद जैसी बेहतरीन और प्राचीन चिकित्सा पद्धति से दूर हो जाए और इस बेहतरीन और प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फायदा ना उठाए और उनकी जो दुकानें हैं वो चलती रहे। आयुर्वेद की भस्म जो है उनकी भी शोधन और मारण विधि, मतलब कि उनकी प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस का आयुष डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो आयुष डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आयुर्वेद की भस्मों का शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिसको शोधन मारण विधि कहा जाता है, जिसकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की एक पूरी प्रणाली और उसकी एक पूरी मेथड फिक्स की गई है कि जिसके माध्यम से सारी आयुर्वेदिक कंपनियों को अपनी सभी दवाइयों की प्रोसेस करवानी पड़ती है। उसके बाद गवर्नमेंट में उसके सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हुआ होता है कि आप जो औषधि बेच रहे हो वो बिल्कुल भी नुकसानकारक नहीं है। फिर उस औषधि को मार्केट में बेचा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में जो हैवी मेटल्स है, हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मेटल्स यूज होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर मर्क्यूरी, लेड, ये सारे और सारे जो है वो हैवी मेटल्स यूज होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है टैबलेट में, उसके बाद उसका जो डोज होता है वो उस मात्रा में होता है कि जो हमारी बॉडी में जाके औषध का काम करता है, ना कि हमारी बॉडी को खराब करने का काम करता है। अगर हम आयुर्वेद को छोड़ के दूसरी पथी की बात करें तो उनकी तो छोटी की छोटी पेन किलर भी अगर ज्यादा मात्रा में खा ली जाए तो उससे भी लीवर और किडनी खराब हो जाती है। और सारी ऐसी दवाइयां हैं कि जिसको खाने से लीवर किडनी पे गलत असर होता है और वो खराब हो सकते हैं, इंसान मर भी सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन आयुर्वेद के ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है, स्पेशली कुछ ड्रग्स को लेके। आयुर्वेद की दवा जब आप एक आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाते हो तो आपको यह याद रखना है कि आपको उस डॉक्टर के पास जाना है कि जो आयुर्वेद पढ़ा है, आयुर्वेद की 5 साढ़े 5 साल की पढ़ाई की है, जो आयुर्वेद की फार्मेकोपोपिया पढ़ा हुआ है, आयुर्वेद की फिजियोलॉजी, आयुर्वेद की पैथोलॉजी पढ़ा हुआ है, जो आयुर्वेद का डिग्री धारक वैद्य है, आयुर्वेद डॉक्टर है, उसके पास जब आप जाकर आप आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो उसको डोज के बारे में भी पता है, उसको यह भी पता है कि कितने टाइम तक आपको वो दवाई देनी है, कब उस दवा को बंद करना है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ये मार्केट में जो मिथ फैला हुआ है ये गलत है। आयुर्वेदिक दवाइयां आपके लीवर किडनी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। और दूसरी बात के जो सड़कों के किनारे, नदी के किनारे जो आयुर्वेदिक औषधियां और हमारे खाने पीने की जो वेजिटेबल्स हैं जो उगाए जाते हैं, आज उनमें ही जो पानी के द्वारा प्रदूषण जाता है, हवा के द्वारा जो प्रदूषण जाता है, और वो पानी जब औषधियों में जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे खाने वाली औषधियों, हमारे खाने वाली जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी लेड या मर्क्यूरी का प्रमाण आता ही है। तो उसको तो हम बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है आयुर्वेदिक दवाइयों की तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारी दवाइयां और सारी कंपनियां गवर्नमेंट के द्वारा बताई हुई एक प्रोसेस को फॉलो करके शुद्ध औषधियां बनाती है। दूसरा सवाल मुझे ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में दर्द था, आपने 1 महीने में ठीक कर दिया, आपकी दवाइयों में स्टीरॉइड तो नहीं है? दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टीरॉइड है या नहीं है वो जानने से पहले आप समझ लीजिए कि स्टीरॉइड क्या होता है। स्टीरॉइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंथेटिक स्टीरॉइड और दूसरा होता है फाइटोस्टीरॉइड। सिंथेटिक स्टीरॉइड जिसको लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, और फाइटोस्टीरॉइड मतलब नेचुरल, कुदरती, कुदरत ने जिस स्टीरॉइड को नेचुरल सोर्स में रखा हुआ है, जैसे कि आप मुलेठी खाएंगे, मुलेठी नाम की औषधि है, उसमें नेचुरल स्टीरॉइड कुदरत ने दिया हुआ है, फाइटोस्टीरॉइड है उसमें। अब हल्दी जो हम रोज सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी यूज करते आए हैं, वो हल्दी में भी नेचुरल स्टीरॉयड है, फाइटोस्टीरॉयड है, धनिया उसमें भी स्टीरॉयड है, आप पुदीना लेंगे तो पुदीना में भी स्टीरॉयड है, लहसुन है तो लहसुन में भी नेचुरल स्टीरॉयड जो फाइटोस्टीरॉयड कहा जाता है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों का लैब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको स्टीरॉयड दिखेगा, स्टीरॉयड मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने उसमें स्टीरॉयड मिक्स किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी फाइटोस्टीरॉयड है जो नेचुरल स्टीरॉयड है जो दवाइयों में कुदरत ने डाला हुआ है, वो स्टीरॉयड अवेलेबल है। और दोस्तों स्टीरॉयड कोई भी अच्छा डॉक्टर जो रेप्यूटेड डॉक्टर है आपके शहर का, वो कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक दवाई में स्टीरॉयड जो कृत्रिम स्टीरॉयड है वो बिल्कुल भी नहीं डालेगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है डॉक्टर से, उसका मतलब है कि उस डॉक्टर ने आपको अच्छे से दवाई दी है, वो उसका टैलेंट है, वो उसकी प्रतिभा है, उसका डायग्नोसिस है, उसका रोग के ऊपर पकड़ है कि जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो से आप सब लोगों को यह जरूर पता चला होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो है वो बिल्कुल शुद्ध होती हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेने जाए तो झोला छाप हकीम नीम वैद्य के पास ना जाए, डिग्रीधारी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए कि जो आयुर्वेद की पढ़ाई करके आपके शहर में बैठे हुए हैं आयुर्वेदिक दवाई देने के लिए। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रोग को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा रखता हूं कि मैंने आपको अच्छा नॉलेज प्रदान किया होगा। थैंक यू वेरी मच।